Hello friends, welcome to Gates Measure. Today I am going to discuss the practice questions on SQL query. Actually, ये topic आपको बहुत help करेगा आपके UGC NET के exam के लिए, GATE के exam के लिए, even आपके university level के exam के लिए. क्योंकि बहुत जगह पे SQL queries के questions के बारे में पूछा जाता है. और अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो DBMS में पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कहीं पे स्टूडेंट थोड़ा बहुत फंस सकता है, मतलब स्टूडेंट कहां पे फंसने के चांसेस हैं, वो टॉपिक है क्वेरीज. मतलब क्वेरीज में भी अगर हम बात करें SQL के अंदर हमारे पास सब क्वेरीज का टॉपिक है, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज का टॉपिक है, यहां पे स्टूडेंट्स जो है काफी बार फंस जाते हैं. तो इसीलिए ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम क्वेरीज को फ्रेम कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक डेटाबेस दिया हुआ है कैसे हम क्वेरीज को एक्चुअल में राइट कर सकते हैं. सो यहां पे मैं एक एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल ले रहा हूं. एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास चार कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. और यहां पे कुछ डेटा जो है मैंने इंसर्ट किया हुआ है ऑलरेडी. सबसे पहले तो आप इस डेटा सेट के ऊपर फोकस कर लेना, बिकॉज इस डेटा सेट के ऊपर हम दो या तीन या चार क्वेरी नहीं लिख रहे, वी आर गोइंग टू राइट नियर अबाउट 7 to 8 क्वेरीज ऑन दिस टॉपिक. और इस पूरी क्वेरीज में हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से, और हम बिल्कुल एंड तक, एंड मींस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज तक हम लेके आएंगे. कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में क्या आता है, नेस्टेड क्वेरीज, कोरिलेटेड क्वेरीज, क्वेरी फ्रॉम सोर्स, ये सारी क्वेरीज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. तो हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करके इसको एंड तक लेके जाएंगे. आप इस टॉपिक को ऐसे भी बोल सकते हो, SQL क्वेरीज फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड. लेकिन इस वीडियो में हम पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इसी टेबल के ऊपर है, इसी डेटा के ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. मतलब इस एम्प्लॉय टेबल में से मेरे को मैक्सिमम सैलरी को प्रिंट करवाना है. अब जब भी आपको मैक्स सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज, सम या काउंट नंबर ऑफ रोज, ये सारे यहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन. और एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा. आप प्लीज उस वीडियो को भी पहले देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं. तो यहां पे अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी, और अगर आप आउटपुट देखो तो सैलरी क्या है, 10, 20, 30, 40, 50,000. तो आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, 50,000. कैसे प्रिंट होगा, वेरी सिंपल क्वेरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द मैक्स एग्रीगेट फंक्शन. सेलेक्ट मैक्स, किसका मैक्स फाइंड करना है, सैलरी का, एट्रीब्यूट का नेम, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल. सो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टेबल नेम. सो ये आपको सिंपल 50,000 आउटपुट जो है वो प्रिंट करवा देगा. ये तो है बिल्कुल एक सिंपल सा, बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाएं, तो राइट अ SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम हु इज टेकिंग द मैक्सिमम सैलरी. मतलब अब हमें एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करवाना है जो मैक्सिमम सैलरी अर्न कर रहा है. तो अगर आप पहले आउटपुट देखो तो 50,000 कौन अर्न कर रहा है, वरुण. तो मींस आउटपुट में क्या आना चाहिए, वरुण. लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे, हाउ वी विल राइट दिस क्वेरी, उसके लिए हमें सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें पता है कि ये वाली जो है आउटपुट क्या दे रहा है, 50,000. तो हम यहां पे अब नेस्टेड क्वेरी की हेल्प लेंगे, या जिसको हम सब क्वेरी भी बोल सकते हैं, सब क्वेरी की हेल्प लेंगे कि क्वेरी के अंदर हमें एक और क्वेरी जो है वो राइट करनी है. नेस्टेड क्वेरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड आउटर क्वेरी इज सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, एंड यू कैन राइट दिस इन द
bracket. So this is what the example of nested query या sub query, जहां पे हमने एक outer query, this is called the outer query and this is called inner query. Inner query. तो ये query actual में काम कैसे करेगी? जब भी हम इस टाइप की क्वेरी को लिखते हैं तो सबसे पहले इनर क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी एक बार, मतलब वन टाइम इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और वो क्या आउटपुट देगी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय क्या है, 50,000. तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये क्वेरी का यूज जो है वो खत्म हो गया, बिकॉज इसने क्या दे दिया, 50,000 आउटपुट. तो यहां पे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000, क्योंकि हम डायरेक्ट 50,000 नहीं लिख सकते. अगर हमने डायरेक्ट ही लिख दिया सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000, फिर तो गलत है, क्योंकि वो तो क्वेरी कुछ और बन जाएगी कि आप उस बंदे का नेम फाइंड करो जिसकी सैलरी 50,000 है. लेकिन नहीं, हमें फाइंड करना उस एम्प्लॉय का नेम जिसकी सैलरी मैक्सिमम है. तो पहले हमने इनर क्वेरी से मैक्सिमम सैलरी आउटपुट प्रिंट करवा लिया, दैट इज 50,000. अब हम उसको कंपेयर करेंगे विद इक्वल टू ऑपरेटर आउटसाइड क्वेरी से. अब होगा क्या, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी एम्प्लॉय. अब ये टेबल जो है वो सारा कंपेयर होगा इनर से, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी. व्हाट इज द फर्स्ट सैलरी, 10,000 इज इक्वल टू 50,000, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स. सो दिस इज फॉल्स, ये आउटपुट में नहीं आएगा. 20,000 इज इक्वल टू 50,000, फॉल्स. 30,000 इज इक्वल टू 50,000, फॉल्स. 40,000 इज इक्वल टू 50,000, फॉल्स. 50,000 इज इक्वल टू 50,000, यस दिस इज ट्रू. This is how the comparison will be done. From employee where salary, मतलब पूरी की पूरी सैलरी, जितनी भी सैलरीज हैं वो कंपेयर होंगी इनर क्वेरी की आउटपुट से, और इनर क्वेरी ने क्या आउटपुट दी, 50,000. तो जैसे ही हमने कंपेयर किया, दिस इज फॉल्स 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 फॉल्स, बट 50 इज इक्वल टू 50, ट्रू. जब ये क्वेरी जो है आउटपुट रिटर्न करेगी ट्रू, तो उस ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नेम क्या है, वर्म. सो ये क्वेरी अब आउटपुट क्या देगी, वर्म. सो दिस इज हाउ द सब क्वेरी, या जिसको बोल सकते हैं नेस्टेड क्वेरी. नेस्टेड क्वेरी मतलब क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी. जैसे हम नेस्टेड फॉर लूप करते हैं, जहां पे हम लिखते हैं लेट से फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, देन फॉर जे इज इक्वल टू 1 to n. मतलब आई की 1 वैल्यू के लिए जे n तक चलेगा, i की 2 वैल्यू के लिए j n टाइम तक चलेगा. वही हम यहां पे कर रहे हैं. नेस्टेड क्वेरी में क्या करते हैं, हम क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी. तो सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एक बार और वो आउटपुट दे देगी, और उस आउटपुट को हमें बाहर वाली क्वेरी से कंपेयर करना है, हर एक रो के साथ कंपेयर करना है, और जो ट्रू मिला उस ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में एम्प्लॉय नेम जो प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द सिंपल नेस्टेड क्वेरी एक्चुअली वर्क्स. लेकिन इस टेबल के ऊपर हम सिर्फ ये दो क्वेरीज नहीं, इसके ऊपर हम नियर अबाउट 7 to 8 क्वेरीज जो है वो डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कोरिलेटेड क्वेरीज, क्वेरी फ्रॉम सोर्स एंड और भी नेस्टेड क्वेरीज को हम यूज करने जा रहे हैं. थैंक यू.